बिल्कुल भाई, इसकी कमेटी बन गई है। हमारी जो इसमें कमेटी के सदस्य होंगे, कमिश्नर इसमें चेयरमैन है और आर्किटेक्ट प्लानर इसमें मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो भी मेंबर होंगे, टाउन प्लानर सब डिवीज़न इसमें मेंबर हैं, और जो हमारे इसका जो इसकी जो बैठक है, इस 5 मेंबर्स है, इसकी बैठक है वो एवरी थर्सडे, फर्स्ट और थर्ड थर्सडे को होगी। आज भी थर्सडे था, आज समय की कमी के कारण इसको हम नहीं कर पाए, लेकिन इसको अभी जो शनिवार है, नेक्स्ट सैटरडे जो आ रहा है, उसमें इस बैठक को, सिंगल अम्ब्रेला कमेटी को हम करेंगे, और इसका हर महीने के फर्स्ट थर्सडे और लास्ट थर्सडे को इसकी हर महीने में बैठक भी हुआ करेगी। और जितने भी हमारे प्रपोजल है, वो चाहे एटिक को लेकर के, एटिक को भी बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने किया और सरकार ने, सैकड़ों लोगों, हज़ारों लोगों को इसमें इसका फ़ायदा होगा, और इसकी बैठकें अब शनिवार से शुरू हो जाएगी। लोगों का हमेशा सहयोग रहता है हमारे को, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें, हमारे चाहे सीनियर सिटीजन है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड लोग होते हैं, उसको अपने लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और पुराने जो शिमला के शहर के बाशिंदे हैं, व्यापार मंडल है, होटलियर है, वो सभी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। शिमला को बेहतर और अच्छा बजट देने के लिए मैं भरपूर अपनी कोशिश करूँगा, और आने वाले समय में हेल्थ को लेकर के हम एक बड़ा प्रपोजल बनाने पे हमारा एक विचार चल रहा है, लेकिन ये पहली दफ़ा इतिहास में होगा कि हम इस कार्य को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास अगर इसमें फंड्स NHIM से मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, उसमें अगर हमको बजट मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि इस मार्च में भी हम फाइनेंशियल ईयर में हम इस कार्य को पहली दफ़ा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मेरी हमारे MD नंदलाल जी से मेरी दूरभाष से भी बात हुई है, और एक हमारा जो स्ट्रेचर और व्हीलचेयर और इसका था, वो हमने टेंडर भी कर दिया, और इसकी 50% जो हम अवार्ड लेटर भेजते हैं, उसका 50% जो अमाउंट है वो हमारे को रिलीज कर देते हैं। उन्होंने, उनकी ये कंडीशन होती है, जब भी हम किसी का टेंडर करेंगे तो उसका 50% अमाउंट वो हमारे को रिलीज कर देंगे। उसके साथ ही उन्होंने एक हमें 25 लाख एक हमने अलग से एस्टिमेट बनाया, उन्होंने अपनी जो रोड है शनान से लेकर धोबीघाट तक, उसको टायरिंग के लिए भी कहा है, तो वो भी हम उसका एस्टिमेट बना रहे हैं। उसका जैसे वो एस्टिमेट बन के और हम उसका अवार्ड लेटर हम भेजेंगे, तो उसके साथ ही वो पैसे भी हमको जमा करा देंगे। 1.25 करोड़ का एस्टिमेट हमने, उन्होंने 3 तरह के एस्टिमेट मांगे थे हमसे, हमने तीनों एस्टिमेट बना दिए, और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द हम उसको, जैसे ही हमारा टेंडर होगा और अवार्ड लेटर दे करके, वो हमारे को 50% की जो पेमेंट है वो हमारे को रिलीज कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।